मैहर में शारदीय नवरात्रि मेला शुरू। माता शारदा के दरबार में मत्था टेकने देश भर से पहुंचे श्रद्धालु, रात में ही लग गई लाइन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता शारदा के दरबार में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला चाक चौवन व्यवस्था के बीच रविवार से शुरू हो गया। सतना व मेहर जिला प्रशासन ने यहां श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार नवरात्रि मेले में VIP दर्शन व्यवस्था प्रतिबंधित कर दिया गया है। माता रानी के जयकारों के साथ देवी दर्शन के लिए देश भर से मेहर पहुंचे श्रद्धालुओं ने शनिवार की रात से ही लंबी लाइनें लगा ली थी। ऊंचे पर्वत शिखर पर विराजी माता शारदा के मंदिर के पट रात्रि 3 बजे खुलते दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। पुजारी पवन महाराज ने जगजननी की आरती उतारी और फिर माता रानी की एक झलक पाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े भक्तों ने मत्था टेक कर मातेश्वरी की कृपा प्राप्ति की कामना की। अनुमान है कि 15 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि मेले में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर पहुंचेंगे। यह मेहर के जिला बनने के बाद ये पहला नवरात्रि मेला है जिसमें मेहर कलेक्टर व SP भी शामिल हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन समिति का जिम्मा सतना कलेक्टर के पास ही होने से अभी व्यवस्थाएं सतना प्रशासन ही कर रहा है। मेला के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के पुख्ता इंतजाम मेला क्षेत्र में किए गए हैं। 7 कार्यपालिका मजिस्ट्रेट तैनात। मेहर में 15 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला में व्यवस्था के लिहाज से शारदा प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने 7 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। मेला भारी का दायित्व उपखंड मजिस्ट्रेट मेहर सुरेश कुमार यादव संभालेंगे। जिन अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के तौर पर मेहर मेला में तैनात किया गया है उनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट आरती सिंह, प्रभारी नायब तहसीलदार रामपुर बघेलान वीरेंद्र सिंह, वीर सिंहपुर के परमानंद तिवारी, रामनगर के प्रभारी नायब तहसीलदार ललित कुमार ध्रुवे और रोशन लाल कोल, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख लालमणि पांडे तथा सुदाम प्रसाद कोरी शामिल हैं। 200 कैमरे, 2 ड्रोन से निगरानी। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी 2 ड्रोन के कैमरे से की जाएगी। गर्भगृह से लेकर मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए 200 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कलेक्टर SP ने किया ब्रीफ। सुरक्षा व्यवस्था में 8 जिलों के 1000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। मेला ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को शनिवार की रात मेहर कलेक्टर रानी बाटड व SP सुधार कुमार अग्रवाल ने ब्रीफ किया है। 7 जिलों से बुलाया गया फोर्स। रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल ने बताया कि मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है। जोन का प्रभारी DSP स्तर और सेक्टर का प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को बांटा गया है। नवरात्र मेले के लिए SAF की मंडला से 35वीं वाहिनी, जबलपुर से DG रिजर्व, रीवा से 9वीं वाहिनी की QRF का बाल उपलब्ध हुआ है। रक्षित निरीक्षक ने बताया कि इसके अतिरिक्त रीवा, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज जिला से जिला पुलिस बल के 159 पुलिसकर्मी और जबलपुर से 140 प्रशिक्षु आरक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सतना और मेहर जिले के 500 के करीब पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी मेले में लगाई गई है। 3 ASP और 9 DSP तैनात। नवरात्र मेले के लिए बाहर से पुलिस बल के अलावा 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 5 उप पुलिस अधीक्षक दूसरे जिले से मेला ड्यूटी में आ रहे हैं। इनके साथ ही जिले के 4 उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। संपूर्ण मेला की सुरक्षा व्यवस्था का प्रभार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विक्रम सिंह को सौंपा गया है। रेलवे ने 15 ट्रेनों के अस्थायी स्टॉपेज बनाए। माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने भी इंतजाम किए हैं। मेहर में अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जबकि 15 यात्री ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज भी निर्धारित किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।